दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार को पराली के समाधान के लिए किसानों को गाली देने के बजाय उसका सहयोग करना चाहिए। गोपाल राय ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली और पंजाब की सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इनकार कर दिया है। भाजपा पहले प्रदूषण बढ़वाती है, फिर उस पर राजनीति करती है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि केजरीवाल पंजाब में पराली जलवाकर दिल्ली वासियों के सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह बात भाजपा कर रही है जो पटाखों पर बैन को हटवाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक गई। वहां प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को भाजपा ने रोक दिया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए जितना काम कर रही है उतना कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही है। 24 घंटे बिजली देकर जनरेटरों से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह से रोक दिया। दिल्ली में ई व्हीकल पॉलिसी लाकर वाहन के प्रदूषण से स्थायी समाधान की तरफ कदम बढ़ाया है। वृक्षारोपण के माध्यम दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को 20% से बढ़ाकर 23% कर दिया है। ट्री ट्रांसप्लांट टेंशन पॉलिसी लाकर दिल्ली में विकास एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाने का प्रयास चल रहा है। AQM ने सभी राज्यों को आदेश दिया था, लेकिन केवल दिल्ली ही ऐसा राज्य है जिन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को PNG पर कन्वर्ट करवा दिया है। दिल्ली पहला राज्य है जिसने अपना विंटर एक्शन प्लान बनाकर एंटी डस्ट कैंपेन चला रहा है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने पराली को गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हरियाणा में पराली जलती है जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। इसका समाधान राजनीति से नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो पराली जलाने की घटनाओं में कम से कम 50% की कमी हो सकती थी। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ किसान आंदोलन किया था। पंजाब की सरकार किसानों को 500 की मदद देने को तैयार है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि प्रदूषण को लेकर वे कितनी चिंतित है।